सब्सक्राइब कीजिए द गो राइडर्स चैनल को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो अपडेट के लिए। सो गाइस, आज आप सोच रहे होंगे देख करके मुझे ऑटो में कि मैं क्यों ऑटो में बैठा हूँ, मेरे पास मेरी बाइक कहाँ है, मेरी कार कहाँ है। सो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्वीट ले ली है और उसी की डिलीवरी के लिए निकला हूँ, जा रहा हूँ अभी वॉयस मोटर्स। मैं सबसे पहले लेना है मिठाई, उसके बाद लेना है फूल, क्योंकि प्रिया का ऑर्डर है कि मिठाई और फूल लेकर के ही आना है। तो पहले चलते हैं मिठाई की दुकान पे, मिठाई खरीदते हैं, लड्डू खरीदते हैं, उसके बाद एक फूल लेते हैं, फिर आगे शोरूम की तरफ जाएंगे। प्रिया ऑफिस से आ रही है और प्रिया को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ना लेफ्ट में दबा के चलना क्योंकि आगे मिठाई का दुकान है। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never. So guys, फूल ले लिया, मिठाई भी ले लिया और अब चलते हैं, चल के शोरूम में पहुंचते हैं। शोरूम में पहुंच के बात करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा नॉइज होगा जैसा कि आपको सुनाई दे भी रहा होगा। फाइनली मैंने खरीद ही लिया। Stop the way. सुनो जी, हम पहुंच गए शोरूम जो कि गोरेगांव ईस्ट में है। इनको इनको दुख हो रहा है, बोलने क्लासिक, बहुत बढ़िया क्लासिक था। थैंक यू सो मच। ट्रिप मीटर एफ पे रहेगा, जब भी बाइक रिजर्व में रहेगी तभी, रेड लाइन के अंदर जब भी आएगा ट्रिप एफ डायरेक्टली चालू होगा। ट्रिप एफ में अप्रॉक्सीमेटली 70-80 किलोमीटर चलता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर राइडिंग। इफ यू राइड इट ऑन योर हाई आरपीएम लेवल्स देन बेसिकली फ्यूल कंजम्पशन विल बी मोर उसके हिसाब से। बाकी आपका ट्रिप ए में एवरेज किलोमीटर पर आवर का स्पीड फॉर द डिस्टेंस दैट यू हैव कवर्ड उसके हिसाब से। ट्रिप बी सेम किलोमीटर पर आवर एवरेज दिखाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर डायरेक्शन योर बाइक इज पॉइंटिंग इन दैट विल बी शोन ओवर हियर। फर्स्ट 500 किलोमीटर तक आरपीएम शुड बी टिल 3000 आरपीएम, उसके बाद में जब भी फर्स्ट सर्विस हो जाएगा उसके बाद का यू कैन रेव इट अगेन टिल योर रेड लाइनिंग जोन, डिपेंडिंग आपको टेरेन कैसा है, रोड कैसे उसके हिसाब से, ठीक है। दिस इज योर बेसिक थिंग्स। व्हेनेवर यू स्विच ऑन द किल स्विच यू विल हियर अ फ्यूल पंप साउंड, सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द फ्यूल मोटर, ओके। जैसे ही बंद हो जाता है
देन गिव आउट अ सेल्फ, खाली सेल्फ दबाना है, एक्सेलरेटर मत देना। गाड़ी की गियर में रहेगी, साइड स्टैंड नीचे रहेगा तो चालू नहीं होगी, साइड स्टैंड ऊपर कर लो तब चालू होगी, दैट द सेफ्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द बैटरी इंडिकेटर, ठीक है, जब भी चाबी चालू करोगे बैटरी ABS ये लाइट चालू ही रहेगी, द मोमेंट यू स्टार्ट इट आपका बैटरी लाइट चले जाएगा, ठीक है, ABS लाइट जैसी रनिंग चालू होएगा मोटरसाइकिल का वैसी ABS लाइट चली जाएगी, इन केस इफ द ABS लाइट इज स्टिल गोइंग ऑन वाइल द मोटरसाइकिल इज रनिंग दैट मीन्स द ABS इज नॉट फंक्शनिंग, यू हैव टू टेक योर मोटरसाइकिल टू द वर्कशॉप एंड गेट इट चेक फॉर द ABS सेंसर। कभी कभी कुछ पानी वानी लगने की वजह से ABS सेंसर बीच बीच में काम नहीं करता, यूजुअली ये बारिश में प्रॉब्लम होता है क्योंकि अपना कीचड़ और पानी मिलके वहाँ पे जाके जम जाता है, उसकी वजह से कभी कभी इश्यूज आते हैं, यूजुअली 99% केसेस में नहीं आते, 1% केसेस में कभी किस्मत खराब हो गई तो वो टाइम पे वैसे हो जाता है, ठीक है। बेसिक रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेसिक, हेडलाइट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन, हाई बीम, लो बीम, योर पास लाइट, इंडिकेटर्स, इसका लाइट चेंज कराना होगा तो क्या करना होगा आगे का? लाइट चेंज आई थिंक येलो लाइट इज द बेस्ट, इफ यू वांट टू पुट इन एनी एडिशनल एक्स्ट्रा बल्ब और एनीथिंग एलईडी वगैरह जो भी डालते हैं गेट द फिटमेंट्स, गेट इट फिटेड एट द वर्कशॉप, तो वायरिंग वगैरह जो भी है वो देख लेंगे उसके हिसाब से, बिकॉज दे आर द वंस हु आर लाइक प्रोफेशनली ट्रेंड अबाउट इट एंड दे नो व्हिच इज द मेन वायरिंग एंड ऑल, बाहर लोकल में कराओगे तो आपको बेसिकली वारंटी का ही पंगा हो जाएगा ना, वारंटी का पंगा बेसिकली एक्सटर्नल फिटिंग्स में होता ही है, बट क्या है कि आपको एक प्रिकॉशनरी रहेगी कि वो आपकी जो एक्सटर्नल वायरिंग रहेगी वो मेन वायरिंग को जलाएगी नहीं, इनकेस अगर कभी उसमें शॉर्ट वगैरह हो गया, बिकॉज वी यूज़ रिले स्विचेस वगैरह ये सब यूज़ करके ही हम लोग वायरिंग करके देते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग वेदर दैट गाय मूव्स इट, अगर नहीं होता रहेगा तो नहीं करता, यूजुअली 99% ऑफ द केसेस में ना ही बोलते हैं, बट कुछ कुछ लोग लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं ठीक है, नाउ मेजोरिटी ऑफ द इनफील्ड गाइस आर टूरिस्ट, तो टूरिंग के लिए रात को कभी राइडिंग हुआ तो उसके लिए एडिशनल लाइट्स लगता ही है, हेडलाइट इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट इनफ उसके हिसाब से, रेस्ट योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड ऑल आर देयर। बेसिक फ्यूजेस सब यहाँ पर है, इन स्टार्टिंग ये फ्यूज जो है यहाँ पे लिखा हुआ दैट विल बी दिस 5 एम्पियर लिखा है तो 5 एम्पियर वाला ऐसे, सो मेन इग्निशन आपका, उसके बाद सिग्नल लाइट्स का है, ऑन का है, लाइटिंग का है, एंड ऑल दोस फ्यूजेस आर बीन मेंशनड, इफ इन केस एनी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स विद द मोटरसाइकिल दैट बाइक इज नॉट स्टार्टिंग ऑलवेज चेक फॉर योर फ्यूज बॉक्स, तो पहला फ्यूज बॉक्स जो आपको चेक करना है वो ये है, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर POC, ओके, सो दिस यू कैन लाइक कीप योर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, कभी अगर इनके साथ आपका मोबाइल आपको सेफली रखना है पॉलीथीन थैली में रख करके भी उसके अंदर रख सकते हो। सो लो जी, मैंने ख़रीद ली हिमालयन स्लीट ABS और मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता था, मतलब सजेशन लेना चाहता था कि मैं अपनी बाइक का नाम क्या रखूं, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं अपनी बाइक का नाम क्या रखूं, मैंने एक नाम सोचा है चेतक, मुझे चेतक अच्छा लगा बिकॉज़ ये घोड़ा जैसा दौड़ता है हिमालयन, सो मैं आप सबका भी सजेशन चाहता हूँ। सो अभी शोरूम से लेकर निकल चुका हूँ और प्रिया मैडम का ऑर्डर हो चुका है कि मुझे चाहिए पार्टी पार्टी पार्टी, तो पार्टी करेंगे शाम को, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहाँ पे कुछ खा लेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है वो आने वाला है क्रैश गार्ड का, सो प्लीज स्टे ट्यून विथ माय चैनल, मैं कहाँ से लगवाऊंगा, क्या प्राइस होगा, उसके लिए थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना। भाइयों एवं बंधुओं, मेरी तरफ से आप सबको एक दरख्वास्त है कि जब भी आप राइड करें, ड्राइव करें, अगर कार ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूले, अगर बाइक राइड करते हो तो प्लीज़ हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूले और एक लेन में गाड़ियां चलाएं। क्या खाना है सुशांत? तुम बताओ क्या खाओगी? नई बाइक आने की खुशी में और हम आए हुए हैं पेकिंग टॉम, हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है ये मलाड वेस्ट में चिंचोली बंदर पे, आएँ आप भी ट्राई करें, काफ़ी
अच्छा रेस्टोरेंट है। चलिए दिखाते हैं क्या क्या हमने मंगाया है। दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाबा टेक केयर एंड जय हिंद एंड प्लीज सेव गोल्ड चाइल्ड। पीपल फीलिंग लाइक द लाइट हैज जस्ट कम, वी मस्ट नेवर स्टॉप द